हेलो स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम इन प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। एंड स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? बहुत बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया ही चल रही होगी यार, है ना? ये कौन सी कोई पूछने वाली बात है? इतने टाइम घर पे रह के भी आप लोग बोर हो चुके होंगे, है ना, लॉकडाउन के कारण। बट कोई बात नहीं, पढ़ाई कर रहे हो आप तो, चाहे घर पे रहे चाहे स्कूल पे रहे, है ना। आप घर पे अपनी मर्जी से तो रह नहीं रहे हो। तो चलिए, आज हम चैप्टर नंबर 9 क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। और ये हमारा लेक्चर नंबर 9, गलती से हो गया क्योंकि चैप्टर नंबर 9 था, ये लेक्चर नंबर हमारा 1 है। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं? इसमें हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, फूड फ्रॉम प्लांट, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉयल एंड सोइंग के बारे में। ठीक है बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा ही मजा आने वाला है। और जो बच्चे तो थोड़ा गांव से बिलोंग करते हैं या गांव में कभी कभी घूमने फिरने जाते हैं, उनको तो बड़ा मजा आएगा क्योंकि ये सारी चीजें आपने लाइव देखी है, सही में बता रही हूं मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे अपने चैप्टर की तरफ। तो बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे नीड फूड, क्योंकि उनको जिंदा रहने के लिए और ग्रोथ के लिए इसकी जरूरत है। तो जैसा हम जानते हैं कि जो प्लांट है वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। थोड़ा सा इसमें हम पेन अपना चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से देखे, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जिस कारण उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स। इसके अलावा अदर ऑर्गेनिज्म, इसमें हम इंक्लूड ह्यूमन बीइंग भी कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स क्यों बोलते हैं उनको हेटरोट्रॉफ्स? क्योंकि वो फूड के लिए प्लांट पर डिपेंड करते हैं। तो अपने फूड की जरूरत को पूरा करने के लिए पहले इंसान फॉरेस्ट से ही फूड कलेक्ट करता था और बाद में उसने एक ही जगह रहने लगा, वो जैसे नदियों के किनारे, ताकि वहां पर वो खेती कर सके और नदियों से उसको पानी मिल सके। ठीक है बच्चों, चले आगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर जो है वो आज से नहीं है, अराउंड 10,000 ईयर्स एगो ह्यूमन ने डिस्कवर किया था कि वो फूड वाले प्लांट, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है, उनके सीड्स को दोबारा जमीन में डालकर उगा सकता है। इस डिस्कवरी ने ह्यूमन को फूड गैदर से फूड प्रोड्यूसर बना दिया। फूड गैदर से, पहले वो जंगलों में जा जाकर फूड इकट्ठा करता था, लेकिन अब उसको ये करने की जरूरत नहीं, अब वो क्या बन गया है? फूड प्रोड्यूसर, जो फूड जो है वो तैयार करते हैं, ठीक है। अब ये एक्टिविटी, यानी फूड वाले प्लांट, यानी पहली चीज तो अब वो फूड प्रोड्यूसर से, फूड गैदर से क्या बन गया? फूड प्रोड्यूसर बन गया, जहां पर उसको पहले एक जगह से दूसरी जगह पर घूम घूम के फूड इकट्ठा करना पड़ता था, अब वो एक ही जगह पर रहकर जो है यहाँ पर अपना फूड जो है वो उगा सकता है, ठीक है। अब ये एक्टिविटी, यानी फूड वाले प्लांट के सीड उगाने वाली जो एक्टिविटी है, समय के साथ साथ इम्प्रूव होती गई, अब ये और ज्यादा सिस्टमेटिक हो गई और इस तरीके से शुरुआत हुई कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स की। अब क्रॉप्स का मतलब क्या है बच्चों? क्रॉप्स हमने बोला, तो क्रॉप्स का मतलब क्या है? क्रॉप्स यानी एक फील्ड में एक ही जैसे प्लांट जो बड़े लार्ज स्केल में लगाए जा सकते हैं। तो अगर हमें लिखने के लिए बोला है कि भाई हम इसको लिखेंगे कैसे, अपना एक पॉइंट जो है वो कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सा है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। द कल्टीवेशन ऑफ one type of plants on a large scale is called crop production। समझ गए? तो एक कल्टीवेटेड लैंड जहां पर फसलों को उगाया जाता है, और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। जहां पर बड़ी संख्या में कल्टीवेटेड लैंड, जहां पर
लैंड में, जिस जगह में, जिस भूमि में, जिस खेत में फसलों को लगाया जाता है, उनकी प्रॉपर केयर की जाती है, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं ताकि आपको नीचे का हिस्सा कई बार दिखता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ऊपर ही लिखते हैं, ये भी इसको हटा देते हैं ताकि बच्चे बाद में कंफ्यूज ना हो कि क्या ये दो दो चीजें आ गई है। द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेटिंग लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, सी है ये, ठीक है, इज नॉन एज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के साथ साथ अब उसने एनिमल को पालना भी शुरू कर दिया था। अब एनिमल को पालना क्यों शुरू किया, कि फूड की नीड के लिए और दूसरा सिक्योरिटी के लिए। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो डॉग को पालता है तो वो जंगली जानवरों को आने से, उसके पास आने से रोकेंगे, उसको अवेयर करवाएंगे, उसको पहले से ही अलर्ट करवा देंगे ताकि वो जंगली जानवरों का शिकार खुद ना बन पाए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो आजकल के समय में अगर देखें तो एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ फूड उगाना ही नहीं है, ठीक है, एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ फूड उगाना ही नहीं है, इसको अदर पर्पस को भी फुलफिल इससे किए जाते हैं। जैसे ये फाइबर्स फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, तो ये फाइबर भी लिया जाता है, मेडिसिन भी तैयार की जाती है और बहुत सारे फ्लावर और ऑर्नामेंटल प्लांट भी इससे तैयार किए जाते हैं जो घरों को सजाने के लिए जो है वो यूज किए जाते हैं। तो बढ़ते समय के साथ साथ इस अर्थ पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ये भी हमको पता है, और जिसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि जो फूड की डिमांड है, जो फूड की डिमांड है वो भी बढ़ती जाएगी। अगर हम बात करें बच्चों ह्यूमन डाइट का, ह्यूमन डाइट का, ठीक है, तो ह्यूमन डाइट का 80% से ज्यादा राइस, व्हीट, मेज जैसे 1 dozen से कम प्लांट स्पीसीज की सीड द्वारा ही प्रोवाइड करवाया जाता है। यानी 80% इसके फूड में जो सीड्स वाले प्लांट है, सीड्स वाले जो प्लांट है वो 1 dozen से कम ऐसे प्लांट की स्पीसीज है जो कि सीड वाले जो फूड है वो उसको प्रोवाइड करवाया जाता है, जो एवरीडे डाइट में एक ह्यूमन बींग लेता है। तो इस तरीके से फूड की नीड को फुलफिल करने के लिए फार्मर्स जो है, अब जरूरत है उनको सिस्टमैटिक तरीके से फार्मिंग करने की, जैसे लैंड को कल्टीवेट करना, सीड लगाना, उनकी केयर करना, ये बहुत सारी एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की अगर बात करें, जब से इंसानों ने फसलों को उगाना स्टार्ट किया है, शुरू किया है, तब से लेकर अब तक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में बहुत बदलाव आया है। ये सेक्टर और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, ये सेक्टर कैसा हो गया, और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, अब और ज़्यादा सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है। फार्मर जानते हैं कि किस तरीके से क्रॉप को हेल्दी तरीके से उगाना है और किस तरीके से अपने प्रोडक्शन को उनको और बढ़ाना है, क्योंकि जब फसल उगाते हैं तो उसे ज़रूरत होती है बैलेंस्ड सप्लाई ऑफ वाटर की, क्योंकि ज़्यादा पानी भी दोगे तो भी प्लांट की जो जड़ें हैं वो सड़ जाएगी, प्लांट अच्छा, फसल हमारी अच्छी नहीं होगी। फर्टिलाइजर की, खाद की ज़रूरत होती है, उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो होती है सही देखरेख की, यानी अगर कोई बीमारी लग जाए तो उसे दवाई या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाए। फसल उगा लो तो अगर अच्छी फसल उगानी है तो प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ है, इसके लिए ज़रूरत क्या होती है कि हमारा अगर प्रोडक्शन अच्छा हुआ है तो अनाज को स्टोर करने की, ठीक है, अगर हमारा जो फूड है अच्छे से स्टोरेज, ठीक है, अच्छे से अगर स्टोर नहीं हुआ तो नमी के कारण वो ख़राब हो सकता है, इंसेक्ट उसको ख़राब कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसको ख़राब कर सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चों, जब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो सिर्फ खेतों में बीज डाल के उसको छोड़ देना नहीं है, उसके बाद उसमें बहुत सारे मेहनत लगती है।
जाती है तब फूड जो है हमारे तक पहुंच पाता है। इसीलिए अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। थाली में उतना ही लो जितने की जरूरत हो, क्योंकि उस थाली तक उस अन्न को पहुंचने में बहुत सारे लोगों की बहुत मेहनत लगती है, तो इसीलिए अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। चले आगे। अलग अलग क्रॉप्स के अलावा अगर अलग अलग क्रॉप्स की बात करें तो यानी उनको उगाने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। अलग अलग सीजन में डिफरेंट क्रॉप्स उगाई जाती है, तो यहाँ पर सीजन के हिसाब से, ठीक है, सीजन के हिसाब से क्रॉप्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली जो कैटेगरी है वो है खरीफ क्रॉप्स और दूसरी जो कैटेगरी है वो है रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स में आता है जैसे पैडी, ठीक है, जैसे कि बात आ गई हमारी राइस हो गया, मेज हो गया, भुट्टा जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इनको उगाने का जो समय रहता है वो रहता है जून से अक्टूबर का, ठीक है। ये फसलें डिपेंड करते हैं वेस्टर्न मानसून पर, यानी ये कहा जाता है कि यहाँ पर इरिगेशन के लिए रेन की ज़रूरत पड़ती है, रेन पर डिपेंड करती है ये वाली फसलें, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं रबी क्रॉप्स की, तो इसमें शामिल है जैसे वीट, ग्राम, बार्ले, ठीक है, बाकी यहाँ सब दिख रहा है आपको, ठीक है। और इनको उगाने का टाइम है फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। और ये जो क्रॉप्स है वो मॉनसून पर डिपेंड नहीं करती है, इनको आपको पानी आर्टिफिशियल मेथड से भी पानी दे के आप इनको उगा सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस रिक्वायर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, कि अगर आपको क्रॉप्स को उगाना है तो इनके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको सॉइल का प्रिपेयर करना पड़ेगा, सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। दूसरा, बीज बोने पड़ेंगे, उसके बाद उसमें खाद डालनी पड़ेगी, पौधों को अच्छे से सींचना पड़ेगा, उसके बाद जो आपकी फसलें उनको बचाना भी पड़ेगा, एनिमल से बचाना पड़ेगा, उसको खराब होने से बचाना पड़ेगा। उसके बाद जब फसल पक गई है तो उसको काटना पड़ेगा और उसके बाद उसका सही स्टोरेज भी करना पड़ेगा। समझ में आया? चले आगे। चलिए तो सबसे पहले हमने बात करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो जैसा कि हम जानते हैं प्लांट कहाँ पर ग्रो होते हैं, सॉइल के अंदर ही ग्रो होते हैं, ठीक है। प्लांट जो ग्रोथ की ग्रोथ होती है सॉइल में होती है, ठीक है। तो प्लांट सॉइल के अंदर ना सिर्फ अपने आप को फिक्स रखते हैं, यानी स्ट्रेट खड़ा रखते हैं, परंतु सॉइल के अंदर से ही वाटर एंड मिनरल भी लेते हैं, ठीक है। सॉइल के अंदर मिनरल और वाटर, इसके अलावा एयर के अलावा प्लांट और एनिमल के डेड पार्टिकल भी पाए जाते हैं, ठीक है। हमने बात किया कि सॉइल के अंदर मिनरल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, इसके अलावा प्लांट एंड एनिमल के डेड पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। तो ये जो माइक्रोब्स आप यहाँ देख रहे हैं जो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म को डीकम्पोज करते हैं, यानी सड़ाने में उसकी हेल्प करते हैं, और उसमें जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको रिलीज करते हैं, जिस कारण सॉयल एक बहुत अच्छा जरिया है सीड जर्मिनेशन और उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्रॉप लगाने से पहले सॉयल को प्रिपेयर किया जाता है, जिसे कि हम बोलते हैं प्लफिंग और हम बोलते हैं टिलिंग। ये दो तरीकों से किया जाता है, पहले बाय ऑक्सन और बाय अ ट्रैक्टर। तो पहले जो किया जाता है ये ओल्ड मेथड है कि दो बैलों के हेल्प से एक किसान जो है वो खेतों को पहले प्लफ करता था, अब लेकिन ये जो है मॉडर्न टेक्निक से जो है वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लफिंग की जो है वो क्यों ज़रूरी है, इसके एडवांटेज भी है, हर काम के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, तो इसके काम के पीछे भी रीज़न है। तो पहली चीज, इसको करने का मतलब यहाँ देख रहे हो आप कि सॉइल जो है, ठीक है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा पेन चेंज करते हैं ताकि ये वाला, ये खैर बाकी इसमें दिखेगा नहीं है, यहाँ पर देख रहे हो आप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सॉइल को लूज किया जा रहा है, तो सॉइल लूज होने के कारण क्या होगा, एयर का सर्कुलेशन अच्छे से होगा, जिसके कारण
प्लांट की जो रूट है अच्छे से ब्रीथ कर पाएगी या फिर बोल सकते हैं रिस्पायर कर सकेगी। तो प्लांट की रूट सॉइल में और ज्यादा गहराई में जा सकेगी या देख पा रहे होंगे, और जिस कारण वो प्लांट को और मजबूती से, जितनी ज्यादा गहरी होगी उतने ज्यादा वो प्लांट को मजबूती से होल्ड करके रखती है, ठीक है। उसके अलावा ये जो प्लाफिंग होती है, प्लाफिंग से सॉइल की वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी इंप्रूव होगी, जितना ज्यादा नीचे जाएगा उतने रूट तक पहुंचेगा और लंबे समय तक उसको ज्यादा पानी की, पानी उसमें बना रहेगा, मॉइस्चर उसमें बना रहेगा। इसके अलावा प्लाफिंग अनवांटेड प्लांट, अगर जो साथ साथ अनवांटेड जिसको वीड्स भी बोलते हैं, इसको भी जड़ से उखाड़ देते हैं, तो जिस कारण वो दोबारा नहीं उग पाते हैं और माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए, माइक्रोब्स के भी यहाँ रहने की जो है वो जगह खुल जाती है इन होल्स के अंदर, तो जिस कारण वो माइक्रोब्स की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। तो आफ्टर प्लफिंग क्या होता है, आफ्टर प्लफिंग में सॉइल के बड़े बड़े पीसेस, जहां पर हम आगे देखते हैं या यहीं पर देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस जिन्हें क्रम्स कहते हैं, जिसको मिट्टी के ढेले भी कहा जाए, उसको यूज करते हैं, उनको तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक, कुछ इस तरीके का रहता है वो स्ट्रेट कुछ इस तरीके का, ठीक है, जिससे कि मिट्टी को वापस से लेवल किया जाता है, ठीक है, उसको एक समान, जैसे मिट्टी अभी ऊपर नीचे दिख रही है, उसके बाद उनको पूरी तरीके से जो है ये लेवल मिट्टी की फील्ड किया जाता है, उसके बाद हमारा जो फील्ड है, हमारा जो खेत है अब रेडी हो गया है बीज बोने के लिए, यहाँ पर हम बीज बो सकते हैं, पौधों की देख रेख कर सकते हैं और उसकी केयर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है सोइंग, सीड को सॉइल में लगाना है तो उसको बोलते हैं हम सोइंग, ठीक है। सीड को कहाँ लगा रहे हैं हम, ये देखिए सीड को यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर हम इसको मिट्टी में लगा रहे हैं, सॉइल के अंदर लगा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सोइंग। ये प्रोसेस जो होता है वो किसके बाद होता है, जो हमने पहली प्रोसेस पढ़ी, पहली प्रोसेस हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ी ये जो प्रोसेस है ये प्लफिंग के बाद होती है। तो देयर आर मेनी वेज ऑफ सोइंग द सीड्स, तो पहला है कि सीड्स को खेतों में हाथ से डाला जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग, क्या बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। इसके अलावा सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है, ये जो आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ से हम इसको पेन अपना दूसरा यूज कर लेते ताकि आपको अच्छे से दिखे, ये जो है ये जो मेथड है इसको बोलते हैं सीड ड्रिल, क्या बोलते हैं सीड ड्रिल, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीड ड्रिल की बात करें तो बच्चों इसमें जो यहाँ पर है एक फनल होती है, ठीक है, फनल होती है और एक इसमें ये जो दिख रहे हैं आपको लंबे जो है ये पाइप होते हैं, ठीक है, और जो कि प्लफ के पिछली साइड जो ट्रैक्टर है वो होता है उसके पिछली साइड जो है वो अटैच होते हैं। जैसे जैसे प्लफ जो है आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ट्रैक्टर जो है वो आगे की तरफ जाएगा, उसका प्लफिंग ये इसके पीछे होते हैं, ये प्लफ वाला ये वाला हिस्सा इसके पीछे लगे हुए होते हैं, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा फनल से जो सीड्स है वो नीचे गिरते जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें मैनुअल की, तो मैनुअल के कंपैरिजन में सीड ड्रिल जो है वो काफ़ी अच्छा तरीका है प्लांट को, सीड को प्लांट करना, यानी बहुत जल्दी भी हो जाता है और बाकी एक एक ही आदमी उसमें लगेगा, अगर हम प्लाफिंग एक एक करके डालते रहेंगे एक मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर मेहनत भी कम लगेगी और टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। कुछ ऐसे फसलें जैसे बच्चों पैडी हो गया टोमेटो हो गया, ठीक है, एंड चिली हो गया, मिर्ची होगी, इनके सीड्स को पहले एक छोटे से एरिया में, यहाँ पर देख रहे हो आप ये पैडी का है, ये छोटे से एरिया में जो है वो प्लांट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं नर्सरी। अभी इसको फील्ड में नहीं लगाया, एक छोटे से एरिया में सबको एक साथ लगा दिया है, जब इनमें अच्छे से रूट आना शुरू हो जाता है और इनमें ऊपर में शूट सिस्टम अच्छा मजबूत हो जाता है, तब उनको मैनुअली खेतों में प्लांट किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। इसके फायदे भी है कि यहाँ पर जो डैमेज होगा वो अच्छे से उगेगा नहीं, और जो अच्छे से उग सकता है वो अगर खेतों में लेके जाएंगे, उसको खेतों में लगाएंगे तो खेतों में भी वो हेल्दी तरीके से लगेगा, और जिसमें किसानों को एक अच्छा फायदा मिलेगा, प्रोडक्शन उनका ज़्यादा होगा, क्योंकि बीज ही खराब होगा उसको पहली चीज़ फील्ड में डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है, तो उगेगा नहीं तो उससे पहले जितनी भी केयर आई उस किसान ने उसके ऊपर की बेकार मेहनत चली जाएगी, लेकिन यहाँ से सिर्फ हेल्दी पौधे वो यहाँ से उठाएगा और अपने फील्ड में ट्रांसप्लांट करेगा। अब क्या होगा कि पैडी सीडलिंग को सही तरीके से अगर एक ही जगह
स्टैंडिंग वाटर में प्लांट ना किया जाए, यानी प्रॉपर डिस्टेंस में ना रखा जाए, तो उससे क्या होगा कि हर एक ऐसा ही इकट्ठा इकट्ठा अगर हमने इसको खेतों में भी लगा दिया तो क्या होगा, जैसे जैसे प्लांट बड़े होते जाएंगे उन हर एक प्लांट के पास ना तो सफिशियंट मात्रा में सनलाइट मिलेगी, ना ही उनको वाटर मिल पाएगा, ना ही उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो भाई होगा क्या, होगा क्या इससे, होगा ये होगा कि प्लांट जो है वो अच्छे से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो होता है फिनिश। कैसा लगा आपको, बहुत बढ़िया लगा होगा, और कोई डाउट रहा होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम जल्द से जल्द आपके डाउट को बेहतर तरीके से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए रिवाइज करिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।